संगीत रागी जी, ये जो तस्वीर है ये बिल्कुल आपके मन मुताबिक आ रही है, तीन राज्यों में बीजेपी। हमारे मन मुताबिक क्या, हम तो पॉलिटिकल एनालिस्ट तो अपने मतलब संगीत बज रहा है, राग छिड़ चुका है। देखिए एक बात बहुत मुझे लगता है कि जो बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी थी, देखिए कांग्रेस भी छत्तीसगढ़ में आगे निकल गई है 45-43, ये जो स्थिति कांग्रेस, देखिए छत्तीसगढ़ में भले ही कांग्रेस सरकार बना ले लेकिन एक या दो सीट के मार्जिन से भूपेश बघेल जो बड़ा दमखम था, एक या दो सीट, वो एक या दो सीट रहेगा तो कांग्रेस की सरकार दो महीने भी नहीं टिक पाएगी वहां पर। नहीं, ये तो मैं बीजेपी की काबिलियत जानती हूँ। नहीं नहीं, बीजेपी की काबिलियत बताने की जरूरत ही नहीं। नहीं 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 नहीं, मैं जानती हूँ कि अगर बीजेपी जीतेगी तो सरकार बनाएगी और हारेगी तो जरूर बनाएगी। नहीं नहीं शोभना जी, उसका कारण नहीं है, काबिलियत कांग्रेस पार्टी की है, कांग्रेस पार्टी की ही काबिलियत से आज ये तो राजकिशोर जी, देखिए जीत हार चुनाव है तो कोई एक जीतेगा कोई एक हारेगा, लेकिन इस बार मुकाबला बहुत कांटे का था। मध्य प्रदेश मेरे लिए जरूर एक हैरान करने वाला आंकड़ा है कि क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद, लेकिन शायद बीजेपी ने जो केंद्रीय मंत्रियों को उतारने का दांव खेला वो उनके हक में गया। राजकिशोर बिल्कुल, मुझे लगता है कि अमित शाह के बारे में जो बात कही जाती है कि अमित शाह बहुत आगे की सोच कर जिस तरीके से पूरा मैनेजमेंट करते हैं, इसमें निश्चित तौर पर शिवराज चौहान का अपना जो शासन है और उनकी जो लाडली योजना उसका है, लेकिन मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जिस तरीके से पूरी रणनीति बनाई वो एक बड़ी बात है। लेकिन 20 साल में बिल्कुल एंटी इनकम्बेंसी ना होना, अगर ये अपने आप में मुझे लगता है कि सबसे बड़ा फैक्टर है, और कांग्रेस इसको भी नहीं भुना पा रही है, ये एक देखने वाली बात है। मुझे लगता है कांग्रेस को ये सबसे ज्यादा देखना पड़ेगा, क्योंकि जिसको कहते हैं हारी बाजी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, जीती हुई बाजी हार कर बाजीगर बनना है, तो ये देखने वाली बात है। अब आकलन, क्योंकि हम इसे 2024 का सेमीफाइनल कह रहे हैं, 65 सीटों में से 62 सीटें 2019 में बीजेपी ने जीती थी इन तीनों राज्यों से, और अब जब बीजेपी मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा में शानदार प्रदर्शन कर रही है तो मुझे लगता है कि लोकसभा मुश्किल नहीं है यहां से। Z News.